अब हम जानते हैं पंडित जी के पुजारी से। वो शंकर भगवान की जय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बीकेज गुरु ज्ञान। और दोस्तों, मैं एक सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से जिसका नाम है घूमते रहो इंडिया। तो घूमते रहो इंडिया के सेगमेंट में हम आ चुके हैं आज राजपुरा, जो डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब में पड़ता है। और यहाँ पे आज हम जहाँ घूमने जाएंगे वो है नलाश मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मान्यता प्राप्त की हुई यह मंदिर है। और स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि शिव जी जहाँ तो कैलाश में जहाँ नलाश में, तो फिर उसी चीज़ को हम आज देखेंगे और कैसा है मंदिर और क्या क्या यहाँ पे धार्मिक और इसका इतिहास क्या है वो सब जानेंगे। तो चलो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम फिर नलाश मंदिर। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने खास अजीज दोस्त से, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है, ये है बंटी। हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी नलाश मंदिर जाएंगे, शिव मंदिर जो राजपुरा में पड़ता है। और इस बाइक से जाएंगे जिसका नाम है बुल, ये बुलेट है बंटी जी का। तो बस अब हम निकलते हैं और चलते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम नलाश मंदिर। ये नलाश मंदिर का गेट है, गेट से हम कर चुके हैं एंटर। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं, करते हैं भगवान भोले के दर्शन। यहाँ पे करते हैं हम अपनी बाइक खड़ी। तो दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है मंदिर का मेन गेट, अंदर वाला। बाहर वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया था, वो भी लगभग इतना ही बड़ा था। और चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जो सबसे ऊंची प्रतिमा जो भगवान भोलेनाथ की लगा रखी है, लगभग 80 से 100 फुट तक ये ऊंचा है, आप देख सकते हो। अंदर से भी करेंगे दर्शन, अभी चलते हैं अंदर। ये रास्ता है, दोस्तों आप लोगों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। सन 1500 की बात है जब भोलेनाथ ने यहाँ अपने दर्शन दिए थे। 500 वर्ष पूर्व यहाँ पर झाड़ियों में भोलेनाथ शिवलिंग रूप में सामने आए थे, जिसके बाद जय जयकार के साथ भगवान भोलेनाथ की इस अपरंपार महिमा के मंदिर के रूप में संजोया गया। यहाँ पर शिवलिंग उत्पत्ति की गाथा बताती है कि सन 1500 में नलास जंगल रूप में था। नलास उस वक्त झाड़ियों और घास में समाहित हो रखा था, बेहद शांत वातावरण रहता था। गाथा के अनुसार उस समय कुछ चरवाहे अपनी गायों को लेकर यहाँ कुछ समय चराने के लिए आया करते थे। यहाँ चरने आने वाली गायों में एक गाय ऐसी थी कि जब वह चरकर घर वापस जाने को होती तो एक झाड़ियों के पास जाकर के खड़ी हो जाती थी और यहाँ उसके थनों से दूध की धार अपने आप निकलना शुरू हो जाती थी, और फिर जब उसका दूध खाली हो जाता था तो वह घर को चल देती थी। अब जब वह दूध झाड़ियों में निकल आई तो फिर घर में क्या देगी, जहाँ यह देख गाय वाला बेहद परेशान था, ऐसे कैसे हो जाता है, और वो भी रोज। जिसके चलते गाय वाला जब दोबारा गाय को चराने ले गया तो उसने उस पर पूरी नज़र रखी। उसके नज़र रखने के दौरान भी वही हुआ जो होता चला आ रहा था, यानी कि गाय घर जाने से पहले फिर वही झाड़ियों के पास पहुंची और उसके पहुंचते ही उसके थनों से दूध की धार निकलनी शुरू हो गई। यह देख गाय वाला को पता तो लग गया कि उसका दूध खत्म कैसे हो जाता, लेकिन जिस प्रकार खत्म हो रहा था उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। एक तरफ जहां उसे आश्चर्य हुआ, वहीं दूसरी तरफ उसने यह जानने की सोची कि यहां खुद से गाय का दूध कैसे निकल जाता है, आखिर क्या है इन झाड़ियों में। गाय वाला उन झाड़ियों को छांटने लगा जहाँ पर उसकी गाय अपने आप दूध निकाल रही थी। कहते हैं कि वह जब कुल्हाड़ी चला रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी का एक प्रहार वहाँ मौजूद शिवलिंग पर हुआ,
जहां प्रहार होते ही शिवलिंग को चोट पहुंची और इससे आकाश में बड़ी तेज से बिजली की गड़गड़ाहट हुई और इस गड़गड़ाहट से कुछ दूरी पर बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे स्वामी करमगिरी जी की तपस्या भंग हो गई और वह जाग उठे। इधर शिवलिंग के बारे में जान गाय वाले और उसके साथ मौजूद अन्य घबरा गए और अनजाने में कुल्हाड़ी से किए गए प्रहार के लिए क्षमा मांगी। वहीं बताया जाता है कि उस रात शिवलिंग के बारे में उस समय के पटियाला के राजा को भी सपना आया जिसमें राजा से मंदिर के निर्माण करवाने को कहा गया। बताते हैं कि राजा से कहा गया कि वह सुबह अपना एक हाथी छोड़ दे, वह हाथी जिस जगह पर जाकर रुकेगा वहीं मंदिर बनवाना है। इधर राजा ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। अगली सुबह महाराजा पटियाला ने अपनी हाथी छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे चल पड़े। जहां स्वयं शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी वहीं आकर हाथी रुक गया, जिसके बाद महाराजा पटियाला ने उस जगह मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण पूरा होने पर मंदिर को करमगिरी जी महाराज, जो कि शिवलिंग उत्पत्ति वाली जगह के पास ही तपस्या कर रहे थे, उनके सपुर्द कर दिया। इस मंदिर का नाम शानालेश्वर महादेव शिव मंदिर नलास एवं यह नलास महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं या शिव कैलाश में या शिव नलास में। नलास महादेव ने अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण की है, भक्तों को मनवांछित फल दिया। भक्त यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं और अपनी हर मुराद को बाबा को बताकर पूरी कर लेते हैं। मंदिर में काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं और तांता लगा रहता है। कहते हैं कि नलास महादेव से की गई विनती मुराद खाली नहीं जाती। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में 500 वर्ष से अधिक पुराना वट वृक्ष भी मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं। इसी के नीचे करमगिरी जी महाराज ने तपस्या की थी। यहाँ इस पेड़ पर लाल धागा मौली बांधकर मन्नत मांगने की भी मान्यता है। ऐसा करने से भोले बाबा उसकी इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। वहीं आज भी शिवलिंग पर कुल्हाड़ी के प्रहार का निशान पाया जाता है। वाकई भगवान शिव ने चमत्कार दिखाया है और इस नलास शिव मंदिर में आकर जो भी श्रद्धा भाव समर्पण कर दर्शन करता है उसके जीवन में भी चमत्कार लाजमी हो जाता है। हेलो दोस्तों, फिर हमने आज नलास मंदिर जो आए थे तो अंदर हमने भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं और मेरे साथ जो खड़े हैं ये पुजारी जी हैं मंदिर के। तो हम अब इन्हीं से जानेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास है, क्या मान्यता है स्थानीय लोगों के अनुसार और ये कैसे बना, क्या है। तो अब हम जानते हैं पंडित जी के पुजारी से। वो शंकर भगवान की जय। इन पहला उरे जंगल होंदा से जी। जंगल होन करके ना एक जिहड़े थे मैसां गऊआं चराउंदे हुंदे थे, ग्वाल मैसां चराउंदे थे। उन्होंने देखा गऊ इक आ के दुध छड़ दिंदे थे, उरे उन्हें देखा भी दुध छड़ दिया भी क्यों छड़ दिया। फिर उन्होंने पट के देखा कहीं ना फिर उरे बिजली लशके, फिर वो भज गए डर के। फिर भज गए तो फिर महाराजा पटियाले नू उस टाइम सुपना आया, आकाशवाणी हुई भी भाई मेरा मंदिर बना भोलेनाथ। कहें कहना मैं पता नहीं मैं किस तरह बनावा, कहना तू हाथी छड़ दे जिथे हाथी रुक जाएगा उत्थे मंदिर बना दी। फिर उन्हें हाथी छड़िया सी, फिर उरे आके हाथी रुक गया, फिर आ गए मंदिर बन गया। फिर उस तो बाद बन गया शानालेश्वर महादेव। एक कहावत है जा शिव कैलाश में जा शिव नलास में। उड़े भी जे दूरों दूरों भगत आते हैं, उन्हें मनोकामना पूरी होंगी, पेली चलाने हूँ। इस टाइम साढ़े लालगिरी जी महाराज जी सेवा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पंडित जी ने बताया कि मंदिर का क्या इतिहास है और क्या मान्यता है, तो आपको इतिहास इस फोटो से देख कर भी पता लग जाएगा। आपको इसी के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि जो गऊ थी वो आती थी और जो दूध उनका खुद ब खुद ही बह जाता था और शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता था। तो यही पुरानी मान्यता है और इसकी मतलब हर मुरादें यहाँ पे लोग आते हैं बड़े दूर दूर से और पूरी होती है, भगवान बोले सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।
ये देखिए भगवान भोलेनाथ की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है जो कि स्थापित की गई है, गेट से भी दिखता है।